हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं शन हुक के जितने भी आगे वाले रूल्स हैं, तो वो सभी रूल्स हम पढ़ेंगे। तो पिछली वीडियो में हमने स्ट्रेट स्ट्रोक का एक रूल पढ़ा था, तो आगे वाली वीडियो में हम स्ट्रेट स्ट्रोक के सारे रूल मतलब शन हुक पूरी कम्प्लीट कर लेंगे। चैप्टर 13 हमारा पूरा कम्प्लीट हो जाएगा इस वीडियो में। तो इस वीडियो के जरिए हम करते हैं 57 नंबर पॉइंट। तो पहला 57 नंबर पॉइंट है, द शन हुक इज़ रिटन ऑन द राइट साइड ऑफ सिंपल टी डी और जे कॉन्सोनेंट। तो टी डी जे कॉन्सोनेंट्स के हमारे राइट साइड में हमारा, जैसे हमारा टी कॉन्सोनेंट है, उसके राइट साइड में हमारी शन की हुक लगेगी, जो हमारी लार्ज हुक है ये वाली शन की हुक लगेगी, शन की साउंड रिप्रेजेंट करेगी। जैसे इसके अंदर हमारा पहला एग्जाम्पल है नोटेशन, तो एन की साउंड, ओ की वोवल की साउंड, फिर टी शन नो टेशन, तो टी के राइट साइड में लगा है वोवल। तो सभी एग्जांपल्स मैं आपको बना के दिखा देता हूँ एक बार। इनविटेशन, तो इन वी टेशन, थर्ड प्लेस की वोवल की साउंड आ रही है, इसलिए हमारा लाइन से कट के बना है इनविटेशन। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेशन। नेक्स्ट है इमिटेशन, इमिटेशन। नेक्स्ट है प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन। तो वर्ड को आपको फ्लो के साथ बना के प्रैक्टिस करनी है, वो वाला आप ना भी लगाएंगे तो कोई टेंशन नहीं है। इसके बाद हमारा रेपुटेशन, रेपुटेशन, रेपुटेशन। पेटेशन, पेटेशन, पेटेशन। के बाद है एडिशन, एग्जांपल है एडिशन, एडिशन। के बाद है एडिशन, एडिशन, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट इज एडिशनल, एडिशनल। तो एल हमारा फ्लो के साथ डाउनवर्ड बन जाएगा, एडिशनल। नेक्स्ट हमारा मैजिशन, मैजिशन, मैजिशन। तो वर्ड हमारा अबव द लाइन बनेगा मैजिशन। तो इन वर्ड्स की आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, और याद रखना हमारा टी और डी और जे कॉन्सोनेंट के साथ हमारा सिंपल कॉन्सोनेंट के साथ हमारा राइट साइड में लगेगा स्ट्रेट स्ट्रोक के साथ, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, व्हेन एडिड टू अदर सिंपल स्ट्रेट स्ट्रोक सन ही इज रिटन ऑन द साइड ऑफ टू द लास्ट वोवल। तो जो हमारे दूसरे स्ट्रेट स्ट्रोक हैं टी डी और जे को छोड़ के स्ट्रेट स्ट्रोक है, तो उनके साथ हमारा जो लास्ट में वोवल आ रहा होगा वर्ड के, तो उसके अपोजिट साइड में हमारा शन की हुक लगेगी। जैसे हमारा एग्जांपल है इसके अंदर एक्शन, एक्शन। तो ए का वोवल इसके अंदर फर्स्ट वोवल है और लास्ट वोवल यही है हमारा, तो ए के वोवल के अपोजिट साइड में हमारी शन की हुक लग गई है, जो हमारी शन के साउंड रिप्रेजेंट करेगी। नेक्स्ट एग्जांपल है इसके अंदर हमारा कोशन, कोजन, कोजन, कोजन। नेक्स्ट है पोर्शन, पी ओ की वोवल के साउंड आर, फिर शन, तो ओ की वोवल के साउंड आ रही है, तो फर्स्ट वोवल ये, लास्ट वोवल यही है, तो इसके अपोजिट साइन में आर के अपोजिट साइन में हमारी शन की हुक लग गई है, पोर्शन। नेक्स्ट है हमारा ऑपरेशन, ऑपरेशन, ऑपरेशन। नेक्स्ट है ओकेजन, ओकेजन, ओकेजन। के बाद है एडुकेशन, एडुकेशन। इसके बाद नेक्स्ट है एप्लीकेशन, एप्लीकेशन। नेक्स्ट एग्जांपल है डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट है इलेक्शन, इलेक्शन, एग्जांपल। फिर इसके अपोजिट साइड में दोबारा बनाया था वर्ड इलेक्शन, तो इसके वोवल के अपोजिट साइड में हमारी शन की हुक लग गई है, इलेक्शन। नेक्स्ट है डायरेक्शन, तो डायरेक्शन, डायरेक्शन। नेक्स्ट है अट्रैक्शन, अट्रैक्शन, अट्रैक्शन। के बाद है हमारा डिडक्शन, डिडक्शन। तो जो हमारा डी है वो डी के साउंड के लिए हाल हो गया है, डिडक्शन पूरा वर्ड बना है। नेक्स्ट एग्जांपल है ओब्लिगेशन, ओब्लिगेशन। नेक्स्ट है रिडक्शन, रिडक्शन। तो इस वोवल के अपोजिट साइन में रिडक्शन वर्ड बना है। नेक्स्ट है ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन। नेक्स्ट है एडुकेशनल, एडुकेशनल। तो शन के साथ एल हमारा अपवर्ड बन जाएगा फ्लो के साथ, एडुकेशनल। नेक्स्ट है हमारा ओकेजनल, ओकेजनल। नेक्स्ट है ओकेजनली, भी हमारा वैसे ही बनेगा पर इसके अंदर लास्ट में वोवल आ जाएगा, ठीक है।
ओकेजनली, इन सभी वर्ड्स की बिल्कुल आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। तो ऊपर वाले वर्ड्स हैं तो इन वर्ड्स की भी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, तभी आपको वर्ड याद हो पाएंगे, तभी आप फ्लो में वर्ड बना पाएंगे। इसके बाद हमारा लास्ट टूल बचता है, तो लास्ट टूल हम देख लेते हैं। तो लास्ट टूल है हमारा ये वाला शनकई, 58 नंबर पॉइंट है हमारा इसके अंदर। वेन शन हु फॉलोज द एस सर्कल और एन एस सर्कल इज रिप्रेजेंटेड बाय अ स्मॉल कर्ल टू कंटिन्यू ऑफ अ एस सर्कल। जैसे इसके अंदर हमारे शन की हुक्म बनाते आ रहे हैं लार्ज हुक, ठीक है। पर जब हमारी डिसीजन, जैसे इसके अंदर एग्जांपल है, तो इसके अंदर अगर हमारी एस की साउंड आ रही होगी और एस की साउंड के बाद हमारी शन की साउंड आ जाएगी, ठीक है, एस की साउंड के बाद हमारी शन की साउंड आ जाएगी, तो उस कंडीशन में हमारी शन की हुक बड़ी वाली हुक नहीं रिप्रेजेंट की जाएगी। उस कंडीशन में जैसे हमारा इसके अंदर डिसीजन एग्जांपल है, तो डिसीजन में हमारा एस सर्कल ऐसे बनाएंगे डी के साथ, तो डी के साथ एस सर्कल के साथ हमारा एन कर्ल इसके अंदर ज्वाइन हो जाएगा, तो ये हमारा पूरा एस और शन की हुक की साउंड को ऐड कर देगा डिसीजन, ठीक है। जैसे हमारा एग्जांपल है डी सीजन, तो पूरा कर्ल है, ये कर्ल की तरह रिप्रेजेंट किया जाएगा, ये हमारा डिसीजन वर्ड बन जाएगा। शन हुक इसके अंदर नहीं हम यूज़ करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है टू कंटिन्यू एस सर्कल, तो एस सर्कल के कंटिन्यू में एन इसके अंदर बन जाएगा, छोटा सा कर्ल से रिप्रेजेंट किया जाएगा डिसीजन जब हमारी एस और शन की साउंड आएगी। इतना ये रूल बताया गया इसके अंदर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसके अंदर हमारा पोजिशन, पी पोजिशन, तो सन एस के बाद हमारी सन की साउंड आ रही है, इसलिए हमारा इसके अंदर पोजीशन वर्ड पूरा बना है पोजीशन। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा ओपोजीशन, तो एस के बाद सन की साउंड आ रही है, इसलिए हमारा कर्ल और सर्कल से रिप्रेजेंट किया गया है, तो इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट एग्जांपल है, वर्ड्स आपको सही बना के दिखा देता हूँ। डिस्पोजिशन। नेक्स्ट है प्रोपोर्शन के बाद है पोजीशन, तो कर्ल से रिप्रेजेंट किया जाएगा पोजीशन। टैक्सेशन, तो एस के बाद हमारी शन के साउंड आ गया टैक्सेशन। नेक्स्ट है फिजिशियन के बाद है म्यूजिशियन, तो एस के सर्कल के साथ आपको पूरे फ्लो में कर्ल बनाना है, तो फ्लो में आपका बन जाएगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे। मोजिशन इस ऐसे एग्जांपल हो गया। नेक्स्ट है इसके अंदर सेंसेशन। नेक्स्ट है ट्रांसेशन, तो आपको साउंड का ध्यान रखना है और देखना है कब आपका कर्ल बनेगा, कब आपकी शन की हुक रिप्रेजेंट की जाएगी। नेक्स्ट एग्जांपल है इसके अंदर हमारा फाइनल पॉइंट है, फाइनल एस सर्कल इज प्लेस इनसाइड द कर्ल, तो कर्ल के बाद भी हमारी एस की सर्कल के साउंड आएगी, तो कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। जैसे इसके अंदर एग्जांपल दिया है डिसीजंस, तो डिसीजन तो हम ऐसे बनाते हैं, तो एस की साउंड आ जाएगी डिसीजंस, हमारा कर्ल के अंदर ही हमारा एस ज्वाइन हो जाएगा डिसीजंस, ठीक है। नेक्स्ट है इसके अंदर हमारा फिजिशंस, ठीक है, लास्ट में एस ज्वाइन हो जाएगा फिजिशंस। नेक्स्ट है इसके अंदर हमारा ट्रांजिशंस, तो आपको फ्लो में ऐसे वर्ड बना के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आपका फ्लो बन पाएगा, तभी आप इसकी लास्ट में शन क्यूक बना पाएंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट है ये वाला 59 नंबर। नेक्स्ट पॉइंट है इन अ वर्ड्स एंडिंग इन उशन ईशन द स्ट्रोक एस एच एन एन हुक आर जनरली यूज, तो जब हमारी उशन की साउंड आएगी और ईशन की साउंड आएगी, ओशन और ईशन की साउंड आएगी, तो हमारा इस कॉन्सोनेंट और एन से रिप्रेजेंट किया जाएगा ज़्यादातर। जैसे हमारा सिचुएशन लिखा हुआ है सिचुएशन, तो ऊ कंशन की साउंड आएगी, हमारी एस एच और एन से रिप्रेजेंट की जाएगी। जैसे हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है ट्यूशन,
तो ओशन की साउंड हमारी एस एच और एन से रिप्रेजेंट की जाएगी। तो ये इसके अंदर पॉइंट है इस वाले 59 नंबर पॉइंट में। इसके बाद हम लास्ट पढ़ते हैं इसके अंदर, द स्ट्रोक होक्ड फॉर शन इज हाल्फ टू इंडिकेट फाइनल टी और डी। तो शन हुक जब हमारी हाल्फ होगी टी और डी की साउंड के लिए, तो कैसे रिप्रेजेंट की जाएगी, ठीक है। जैसे हमारा एग्जाम्पल है इसके अंदर मोशनड, तो मोशनड हमारा एम कॉन्सनेंट हाल्व हो जाएगा और शन की हुक हमारी लार्ज ही बनेगी, और उस जैसे हमारा का हाल्व स्ट्रोक हुआ तो उसी में हमारी हाल्व में ही ज्वाइन हो जाएगी मोशनड, ठीक है। तो हाल्व हमारा कॉन्सनेंट एम बनेगा, मोशनड छोटा स्ट्रोक हो जाएगा। नेक्स्ट है कोशनड, कोशनड, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है फैशनड, फैशनड, तो शन की हुक हमारी हाल्व हो जाएगी। तो यहाँ तक थी हमारी शन की हुक के इनके जितने भी आपको एग्जांपल सभी की आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद हम शॉर्ट फॉर्म देख लेते हैं इस चैप्टर की। हमारी एंडिंग में शॉर्ट फॉर्म्स आती हैं, तो ये रही हमारी शॉर्ट फॉर्म। तो शॉर्ट फॉर्म है इसके अंदर हमारी पहली इन्फॉर्मेशन रिप्रेजेंट की जाएगी एन कॉन्सनेंट और शन की हुक से इन्फॉर्मेशन अबव द लाइन। नेक्स्ट है पब्लिक, पब्लिश और पब्लिश्ड रिप्रेजेंट की जाएगी पी और बी से। तो पी कॉन्सनेंट हमारा लाइट होगा और ये हमारा डार्क हो जाएगा, तो डार्क और लाइट हमारा बनेगा पी और बी से रिप्रेजेंट की जाएगी। नेक्स्ट है पब्लिकेशन रिप्रेजेंट की जाएगी पी बी फिर शन से रिप्रेजेंट की जाएगी पब्लिकेशन। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट की जाएगी बी और जे से रिप्रेजेंट की जाएगी ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्टेड। नेक्स्ट है ऑब्लिगेशन रिप्रेजेंट की जाएगी शॉर्ट फॉर्म बी कॉन्सनेंट जे और शन से रिप्रेजेंट की जाएगी ऑब्लिगेशन। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइज और ऑर्गेनाइज रिप्रेजेंट की जाएगी आर और गे और एन कॉन्सनेंट से रिप्रेजेंट की जाएगी ऑर्गेनाइज और ऑर्गेनाइज्ड। नेक्स्ट हमारी शॉर्ट फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन, तो ऑर्गेनाइजेशन रिप्रेजेंट की जाएगी आर और गे और शन हुक से रिप्रेजेंट की जाएगी, जो हमारा कर्ल वाले शन हुक पड़ी है उससे रिप्रेजेंट की जाएगी ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है हमारा सेटिस्फैक्शन, तो सेटिस्फैक्शन रिप्रेजेंट की जाएगी एस टी और शन हुक से कर्ल वाली से सेटिस्फैक्शन। नेक्स्ट है इन्वेस्टिगेशन रिप्रेजेंट की जाएगी एन कॉन्सनेंट और वी और शन से कर्ल वाले से इन्वेस्टिगेशन। लास्ट हमारी शॉर्ट फॉर्म है यस्टरडे रिप्रेजेंट की जाएगी ये और एस और टी कॉन्सनेंट से यस्टरडे हमारी प्रेजेंट की जाएगी। तो जितने भी शॉर्ट फॉर्म है तो सभी आप सभी की आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और एक्सरसाइज की भी बिल्कुल आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। तो स्पीड पे आप ध्यान दे सकते हैं कि आपकी जो हाफ बुक है कम्प्लीट हो चुकी है, आपसे भी ज़्यादा कम्प्लीट हो चुकी है, तो बुक आपकी कम्प्लीट होने वाली है, तो आपको स्पीड पे आप ध्यान देना होगा। आप 50 या 60 या 70 वर्ड पर मिनट की स्पीड की आप डिक्टेशन स्टार्ट कर दीजिए। तो आज की क्लास हमारी में फिनिश होती है।